अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। वाराणसी में कटा अखिलेश यादव का चालान, एसएसपी ने चालान काटने का दिया आदेश। अखिलेश यादव की गाड़ी का काटा गया चालान। सपाई बोले विपक्ष को टारगेट कर रही है सरकार। चालान कटने से सपा नेताओं में दिख रहा गुस्सा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अनोखा मामला सामने आया है, जहां अखिलेश यादव की कार का चालान कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जब गाड़ी का चालान हुआ तो सपा नेताओं का बीजेपी पर ही गुस्सा फूट पड़ा और सपा नेताओं का कहना है कि मौजूदा सरकार और सरकार का प्रशासन विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर टारगेट कर रहा है। मामला वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र के बाबतपुर का है, जहां वाराणसी पुलिस कप्तान अमित पाठक की नज़र एक चार पहिया वाहन पर पड़ी तो उसका चालान काट दिया गया। गाड़ी का चालान मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किया गया है। दरअसल एसएसपी अमित पाठक की नज़र चार पहिया वाहन के नंबर प्लेट पर पड़ी थी, जिस पर बड़े बड़े शब्दों में अखिलेश यादव लिखा हुआ था, जबकि गाड़ी का नंबर एक कोने में लिखा गया था। कप्तान अमित पाठक ने तुरंत अपना काफिला रोका और गाड़ी के पास जाकर गाड़ी मालिक से पूछताछ की। गाड़ी मालिक ने रौब झाड़ने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव वाले नंबर प्लेट होने के बावजूद कप्तान ने गाड़ी को सीज करने का निर्देश दे दिया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने गाड़ी थाने में ले जाकर खड़ी कर दी। एसएसपी के इस कार्रवाई के बाद शहर में इसकी चर्चा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के जिला अध्यक्ष सत्यप्रकाश सोनकर ने बताया कि सरकार विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है, जिसका जरिया यूपी पुलिस बनी हुई है। समाजवादी नेता लगातार जनता की आवाज उठा रहे हैं, जिसे पुलिस के द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है। सपा नेताओं का कहना है कि हालात चाहे जो भी हों, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता आवाम के हित में काम करते हैं और करते रहेंगे। सत्ताधारियों को जो करना है कर ले, लेकिन हालात के आगे सपा सरेंडर नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।